कर दोस्तों, आज आप सीखोगे कि हम रोटी कैसे बनाते हैं। सभी ने ध्यान से देखना है कैसे बनाएंगे। एक तो बेलना आपके पास होना चाहिए, साथ में चकला ही होता है, ये चकला है, ये चकला आपके पास होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले अपने आटा पकड़ना है, इतना सा आपने आटा लेना है। आटा लेने के बाद इसको अपने ऐसे ऐसे करना है। अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर पानी ज़्यादा है तो आप इसको ये आटे के साथ लगा लें और फिर ऐसे करें, फिर इसको मारना है। ढीला लग रहा है तो फिर आटा लगा सकते हैं आप। ऐसे घुमाना है इसको, ऐसे धीरे धीरे से ऐसे रखना है, फिर ऐसे घुमाना है, ऐसे धीरे धीरे घुमाना है। इसके बाद ऐसे ही गोल हो गया तो आप इसको यहाँ रख सकते हैं। आप तीन चार पहले बना लें, दो आदमी के लिए बनाना है तो मेरे ख्याल चार या पांच फुलके से हो जाता है रोटी से, तो पांच रोटी बहुत होती हैं। अगर आप थोड़ा हेल्थी हो तो आप छह रोटी आराम से खा सकते हो, तो छह रोटी बना लो एक आदमी के लिए। और अगर दो हैं तो दो का 10 रोटी से हो जाता है गुजारा। तो दोस्तों मैं छह रोटी खाता हूँ तो छह ही बनाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं। फिर मैंने इसको क्या करना है, आटे मटर लगाना है इसको ऐसे दोनों तरफ ऐसे, और फिर इसके ऊपर रखना है। और फिर क्या करना है, इसको धीरे धीरे ऐसे रख दिया, फिर इसको ऐसे ऐसे करना है ऐसे। अगर ये नीचे लग रहा है तो आप आटा लगा लें, नहीं लग रहा है तो समझ लो कि आपकी रोटी अच्छी बन जाएगी जल्दी, वो ढीला नहीं है। ऐसे करना है, तो दोस्तों ये देखा आपने रोटी बन गई है। अब इसको हमने तवे के ऊपर डालना है। आपको लगता है ये गर्म हो गया तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपने इसका चिमटे का यूज़ करना है, ऐसे रखना, रोटी को जलाना नहीं है। तो दोस्तों अगर ज़्यादा देर आप इसके ऊपर रखोगे, अगर तवा आपका गर्म हो गया तो ये जला देगा, तो इसे ध्यान रखना, इसको पलटते रहना है, और फिर इसको ऐसे करना है आपके ऊपर। दोस्तों ये रोटी बनकर तैयार हो गई है।
तब तक आपने फिर से गैस कम कर लेनी है। जब अपन रोटी डाल देनी है तो इसको बदलते रहना, गैस तेज कर लेनी है अपने। और दोस्तों फिर से गैस कम कर लेनी है। फिर से हम पेड़ा लेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, इसको ऐसे करेंगे। पूरा जोर नहीं लगाना, धीरे धीरे से, बिल्कुल मुलायम हाथों से आपने इसको फेरना है कि ये फटे ना, नीचे लगे ना। फिर से पेड़ा रखना है। फिर से सही से पेड़ा रखना है, मुलायम हाथों से ऐसे ऐसे करना है। दोस्तों फिर से पेड़ा रखना है। तो दोस्तों जब आपने यहाँ डालना है तो इसको, अगर आपका तवा ज़्यादा गर्म है तो उसको आराम से उठा लेना, थोड़ा कुछ सेकंड के बाद ही आपने इसको चेक कर देना। और हाथ से ना करें क्योंकि हाथ जल जाता है, तो इसलिए ध्यान रखें कि अपने चिमटे का यूज़ करें।
तो दोस्तों हमारी रोटी जो है बनकर तैयार हो गई है। तो ऐसे हम रोटी बनाते हैं और बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीका है। तो दोस्तों जितना रोटी को लगन और प्यार से बनाया जाए उतना ही स्वादिष्ट और उतना ही अच्छा भोजन होता है। अगर आप किस गुस्से में रोटी बनाते हैं तो उसके अंदर कोई स्वाद नहीं होता। हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखें, जब भी आप रोटी बनाएं तो रोटी को मन और लगन से बनाना है कि जिसको जब आप खाओ तो आपको यह ना लगे कि हम खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों रोटी हमेशा प्यार से बनाई जाती है, लगन से बनाई, और रोटी की बर्बादी बिल्कुल नहीं चाहिए। जो रोटी आटा बच जाता है उसको संभाल कर रखें, गाय या किसी और पशु को डाल दें, क्योंकि अनाज बेकार करना बहुत ही नुकस जिससे हमें पाप लगता है। तो दोस्तों जिन लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि रोटी कैसे बनाई जाती है और कैसे बनानी चाहिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।